कैसे हो दोस्तों, मैं हूं कश मंडे। आप देख रहे हैं न्यूज़ वेक सेल फिनिक गाइस। अब से बहुत से बच्चे गुरुकुल के न्यू बैच का स्टार्टिंग का वेट कर रहे थे कि जल्दी से गुरुकुल का न्यू बैच, खासतौर से स्ट्रक्चर्स का न्यू बैच काफ़ी दिन हो गया था स्टार्ट किए हुए। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए, क्योंकि अभी क्या था, कुछ कॉलेजेस में यार क्या बोलते कॉन्फ्रेंस थे, तो उनके और साथ ही साथ कुछ लोग कहे कि मुझे कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दीजिए कॉलेज में। मैंने देखा तो कॉलेज में बच्चे तो हैं बहुत अच्छे अच्छे पर क्या हो रहा है, उन बच्चों का अवेयरनेस ही नहीं है कैसे जाना है, एक ही प्रोफाइल के बारे में पता है। मुझे लगा यहाँ पर हमारी ड्यूटी जरूर बननी चाहिए कि उनको राइट गाइडेंस पहुँचाया जाए। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट व्हाट, गुरुकुल इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी गाइस। आप मेरे अंडर में पूरी की पूरी 4 महीने की इंटर्नशिप करते हो, ये फिक्स रहता है कि 4 महीने के इंटर्नशिप के बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा किसी प्रोजेक्ट को सबमिट कैसे करना है, चाहे वो प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स का हो, चाहे वो प्रोजेक्ट BIM का हो। BIM में क्या क्या पढ़ाएंगे अभी मैं पूरा अटैच कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, और स्ट्रक्चर्स में भी मैं आपको अटैच कर दे रहा हूँ नीचे PDF, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा। कुल मिला के हमारा उद्देश्य है कि आप इंडस्ट्री में जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ यार, इंडस्ट्री के जो चीज़ें हैं वो सब हमें आ रही हैं। तो हमारा मेन काम क्या है, आपके ब्रिज को कनेक्ट करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का लेवल यहाँ है और हमारे कॉलेज में जो एजुकेशन दिया गया है उसका लेवल यहाँ है। तो मेरा काम है आपको एक रास्ता देना, एक पाथ देना, जो कि स्मूथली थोड़ा थोड़ा हार्ड वर्क करके हो जाए। लेकिन इसके लिए मिनिमम 5 पार्ट्स चाहिए। तो अगर आपके पास 5 घंटे हैं तभी आप प्लान करना गुरुकुल में आने के लिए, उसके विदाउट मत आना, क्योंकि आपका यहाँ पर पैसे लॉस होते हैं। वैसे तो ज़्यादा फी मैं नहीं चार्ज करता हूँ, हर चीज़ का बहुत नॉमिनल फ़ी होता है। वैसे इसका भी 20,000 फ़ी है, और जिसमें से 5,000 आप करके पार्ट में भी कर सकते हो। वन टाइम में करने से एक बेनिफिट है कि 2,000 का डिस्काउंट मिल जाता है सबको। रूल्स जो रहेगा वो सबके लिए रहेगा, जिससे कि फ्यूचर में कभी आपको भेदभाव ना महसूस हो कि सर ने ऐसे किया मेरे साथ, इनके साथ ऐसा। तो ऐसा सिमिलरिटीज़ रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए रूल्स इज फिक्स फॉर एवरीवन। और दूसरी चीज़, उसके लिए UPI एड्रेस दिया हुआ है, आप पे करके मुझे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भेज दो, मेरा व्हाट्सएप नंबर सबको फेमस है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोलते हैं, क्या पढ़ाया जाएगा यहाँ मैं अटैच कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। ये फिक्स है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी से मुझे 3 महीना दिया, प्रोग्राम तो 4 महीने का है बट 3 महीने दिया, तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो इंटरव्यू फोड़ के आएंगे, ये पक्का है। मेरे जो प्रीवियस बैचेस हैं उनका रिकॉर्ड रहा है कि लोग गए हैं तो फोड़ के आए हैं, या फिर फोड़ते फोड़ते बचे। ऐसा भी नहीं कि जरूरी नहीं कि हर कोई सक्सेस हो जाएगा। अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं है, अगर हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं है, तो हो सकता है हम फेल हो, पर एक बार होंगे ना, 2 बार होंगे, 3री बार तो फोड़ ही देंगे। तो यही है गुरुकुल का प्रोग्राम। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आके ज्वाइन कर सकते हैं, बट याद रखना 5 घंटे अगर आपके पास नहीं है तो आप मत ज्वाइन करना गुरुकुल, क्योंकि उसमें क्या होगा ना यार, आप ये या मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इतने मेहनत का फी ले आके हमको दे और फिर प्रैक्टिस ना करें, ठीक है। 1.5 घंटे मैं लाइव प्रोग्राम में रहता हूँ, सबको पता है, 1.5 घंटे मैं लाइव रहूँगा, 1.5 घंटे का रिकॉर्डिंग देता हूँ, ठीक है, 3 घंटे और 2 घंटे का प्रैक्टिस। इस 5 घंटे के विदाउट, ठीक है, इस प्रोग्राम में सक्सेस पाना मुश्किल है, इसलिए माइंड में बना लेना। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं सर मुझे करना है, मेरा कैरियर गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, गवर्नमेंट के प्रिपरेशन एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए बहुत ज़्यादा गैप हो गया है, मेरा दूसरे डोमेन में मैं चला गया था, मुझे राय वापस इस प्लेटफॉर्म पे आना है, एक चीज और बता दूं, जिसका मैथमेटिक्स टर्म्स बहुत स्ट्रांग है वो लोग स्ट्रक्चर्स में जाना, ठीक है, सोम RCC और जो आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स था, ये पोर्शन अगर आपका स्ट्रांग है तो स्ट्रक्चर्स में जाना, जिसकी बैच मॉर्निंग में 9 to 10:30 है। और जिसको लगता है कि नहीं सर मेरा ना क्रिएटिविटी बहुत स्ट्रांग है प्लस कैरियर गैप बहुत ज़्यादा है, तो BIM में जॉब ज़्यादा है, नो डाउट, इसमें कुछ नहीं है। स्ट्रक्चर्स में भी जॉब है, पर स्ट्रक्चर्स में जॉब के लिए जिसका मैथमेटिक्स टर्म्स स्ट्रांग है उसको जल्दी होता है, और जो जिसकी क्रिएटिविटी अच्छी है उसको BIM में जाना चाहिए। BIM में नंबर ऑफ जॉब्स बहुत ज़्यादा है, ठीक, इजीली लग जाती हैं, पोर्टफोलियो अच्छा बनाया, मॉडल अच्छा बनाया, थोड़ी सी BIM के कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, आपका काम हो जाता है। तो देख लीजिए, आपको जिसमें भी आना हो आके UPI नंबर पर फी करके आप एडमिशन नंबर जैसे मुझे स्क्रीनशॉट भेजिएगा, मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर ग्रुप भी दे दिया है बना के, कि जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं वो लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स का बैच, गुरुकुल का बैच का व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप मतलब वो ग्रुप दे दिया है, अटैच हो जाओ। 1 घंटे का पूरा डिटेल्स वीडियो लगा दे रहा हूँ, आपका मन करे इसको भी वॉच करिए, देखिए कि क्या क्या गुरुकुल में होता है और आइडिया लगेगा। और साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सोच समझ के डिसीजन लेना, मुझसे सीखो या फिर कहीं भी सीखो, ऐसा सीखो उस डायरेक्शन में सीखो जिसका पाथ लंबा हो यार, ठीक है। क्योंकि देखो क्या है कि मेरे पास तो लिमिटेड सीट होती है, 25 लोग की सीट, तो वो तो ऑलरेडी आप भूल कर देते हो, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो कैरियर चूज करो यार जैसे स्ट्रक्चर्स है। अब स्ट्रक्चर में सीखने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है, BIM में लिमिट ही नहीं है अभी, तो सच बताऊँ ना तो BIM का अंत का कोई लिमिट ही नहीं आया कि यार ये पढ़ लिया तो BIM एंड हो जाएगा, एंड ही नहीं है उसका, बहुत बड़ा है।
पीबी में अगर आप करियर बनाना चाहो तो पीबी का, अभी तो मैं बैच लॉन्च नहीं कर रहा हूँ, पर आप कहीं भी सीखना तो पीबी का एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, पीबी फ्यूचर में बहुत ब्राइट होने वाला है। प्रीकास्ट के तरफ देख सकते हो कि प्रीकास्ट फिलहाल जो आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए ट्रेनिंग लेते हैं वो लोग प्रीकास्ट में काम कर सकते हैं क्योंकि लगभग लगभग सिमिलरिटीज ही रहती है दोनों में। इसका भी करियर बहुत बड़ा है, तो इंडस्ट्री वो चूज करना जिसका रास्ता बड़ा हो, जिसमें पैकेज अच्छा मिले, प्लस कोशिश करना कि इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले, ठीक है। अगर आप लिमिटेड जगहों के लिए बने रहोगे तो पैकेज की कमाई कम होगी। देखो BIM में ज़्यादा जॉब्स क्यों लग रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियाँ ऐसी हैं जो कि बेल्जियम के प्रोजेक्ट कर रही हैं, US के कर रही हैं, कनाडा के कर रही हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स, तो वहाँ से उनको भर भर के पेमेंट आ रहा है, तो भर भर को पेमेंट दे रहे हैं। तो अगर इस तरीके से इंटरनेशनल एक्सपोजर को पाओगे, इस बार मैंने जो अपना स्ट्रक्चर्स का गुरुकुल उसमें मैंने नया करने का प्रयास किया, क्या मैंने सोचा है कि आपको इंटरनेशनल कोर्स के लिए भी गाइड करूंगा कि देखो ये ब्रिटिश कोड है, ये अमेरिकन कोड है, इस कोड में ये हमें पता होना चाहिए, इस कोड में ये है, जिससे कि आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले। नो डाउट BIM में तो लगभग लगभग चीज़ें सिमिलर ही रहती हैं, तो BIM में इतना कुछ दिक्कत नहीं होती है। चलिए आप देख लीजिए वीडियो को, उसके बाद आपका डिसीजन बन जाए कि हाँ सर मुझे करना है, तो जल्दी जल्दी सीट बुक कर लीजिएगा। सॉरी लेट बता पा रहा हूँ क्योंकि 15 को ही स्टार्ट हो रहा बैच। अगर हमारे पास जो चीज़ है उसको 100% दे के आए तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उस चीज़ के लिए मैं बिजी था और अब आपके लिए बिजी रहूँगा। तो आइए फटाफट स्वागत है आपका, और गुरुकुल की न्यू बैच 15 तारीख से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। आप क्या बोलते हैं इसको पूरा वॉच कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहे तो मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर लो, ठीक है। देखो जो बीम का अपना ये गुरुकुल का पूरा बैच स्टार्ट हो रहा है, सभी लोग माइक अपना म्यूट रखना, अभी आपको टाइम दूंगा आराम से, जितने क्वेश्चन पूछना होगा सब पूछना। पहले मैं एक बार अपना प्रोसेस बता देता हूँ, इन द सेंस गुरुकुल का प्रोसेस वैसे तो लगभग बहुत से लोगों को पता है, पर फिर भी मुझे लगता है कि मुझे एक बार खुद से बताना बेहतर रहता है। तो गुरुकुल जो अपना ये इंटर्नशिप है, ये 4 मंथ का, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य ये है कि दोस्त, यही चीज मैंने ऑलरेडी वीडियो कोर्स के माध्यम से भी बता रखा है, ठीक है। तो वीडियो कोर्स से भी हम पढ़ सकते हैं, तो फिर गुरुकुल क्यों ज्वाइन करें? तो गुरुकुल ज्वाइन करने का सिर्फ एक सही मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न ये है कि डंबल कितने का आता होगा, ठीक है। जनरली हम लोग जिम में जाते हैं तो डंबल कितने का आता होगा, बहुत मुझे लगता है 500-600 रुपये का डंबल आता होगा, ठीक है। हम चाहें तो जो जिम के बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स अपने घर में खरीद कर रख सकते हैं, आप लोग ये सब रख सकते हैं, और फिर भी हम लोग रख के कभी भी एक्सरसाइज नहीं करते। ये आप लोग शायद एग्री करेंगे इस चीज से कि डंबल हम खरीद के रख लेते हैं और उससे एक्सरसाइज नहीं करते। सेम वर्क होता है वीडियो कोर्स के साथ, ठीक है। जो आप लोग वीडियो कोर्स एक्सेस करते हो, अपने गुरुकुल का करते हो या फिर बहुत से प्लेटफॉर्म से उनका करते हो, कोई वो नहीं, सबका ही पढ़ना चाहिए, हमें नॉलेज कहीं से भी मिली बेहतर है। तो हमें क्या होता है ना, हम लोग डंबल खरीद लेते हैं, ठीक है, जॉगिंग वाली मशीन, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हमारे जैसे कुछ शिक्षक अभी हैं जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में दे देते हैं, पर वो रखा रह जाता है। तो उसी के लिए मैंने सोचा कि यार ये जो रखा है कंटेंट, अगर ये दिमाग में नहीं गया तो किस बात का, इसको बना के भी कोई वैल्यू नहीं है। तो वहाँ से जनरेट होता है अपना ये गुरुकुल का कॉन्सेप्ट। तो इस गुरुकुल के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम आपने जो रखा हुआ है मटेरियल उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, मतलब जो डंबल आपका है उस डंबल को एक्सेस कैसे करना है, उस डंबल को चलाना कैसे है, उसकी प्रोसेसिंग हम आपको बताते हैं, सपोर्ट करते हैं, और बाद में धीरे धीरे क्या होता है आपके अंदर एक रेगुलरिटी आ जाती है। और हम सबको पता है कि अगर 2-3 महीने कंटिन्यू जिम चले जाएंगे तो ठीक ठाक बॉडी बैलेंस हो सकती है। सेम ऐसे ही गुरुकुल में है, अगर 2-3 महीने की रेगुलरिटी हो गई तो आपको क्या होगा ना, अंदर से आ जाएगा कि आप अपन कर सकते हैं, आपको रोड मैप मिल जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा, अभी मैं कुछ दिन पहले से, मतलब बीच में मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मैं जॉगिंग वगैरह के लिए नहीं जा रहा था, फिर मैंने कहा नहीं अब कुछ भी हो जाए इवनिंग में 5 बजे मुझे निकल जाना है, ठीक है, मुझे अपने हेल्थ से खिलवाड़ नहीं करनी है। इवनिंग में 5 बजे मैंने बहुत अंदर से प्रेशर करके कि मुझे करना ही करना है, अपने लोगों को बोला कि भाई हमको बोलो कि जाओ जाओ जाओ, हम गए। और बिलीव करो मैं सिर्फ 3 दिन तक कंटिन्यू गया, 4th दिन पता है क्या हो रहा था, 12 बज जाए 1 बज जाए, फिर लगे यार जल्दी से 5 बज जाए मैं निकलता हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि यार और कुछ हैबिट्स में डाल दूंगा ना, तो हैबिट्स की वजह से, तो वहाँ पर कुछ डॉग्स थे, तो उन डॉग्स के लिए मैंने सोचा कि एक बिस्किट का पैकेट लेके जाएंगे, उनको देंगे। तो एक तो क्या हो जाएगा मेरे माइंड में, एक तो प्रेशर आ गया कि यार उन डॉग्स को भी मेरे ऊपर होप होगा, दूसरी चीज़ क्या होगा कि जब मैंने 3-4 दिन कंटिन्यू कर लिया तो मुझे एक रोड मैप मिल गया, और मैं अब कंटिन्यू आराम से जा रहा हूँ और डेली अपना जॉगिंग स्टार्ट हो रहा है। तो गुरुकुल को इसी बेस पे हम लोग रखे हुए हैं। गुरुकुल का मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है आपको प्रैक्टिस कराना, आपको डीप में इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, ठीक है। देखो सबसे बड़ी बात यह है, हमें से बहुत लोगों के पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज की कमी नहीं है, पर उस नॉलेज को प्रेजेंट कैसे करना है,
तो प्रेजेंट करने के लिए गुरुकुल आपको बहुत हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि जब प्रेजेंट करते चीज़ों को, सीधी सीधी बात है कि आपको आज मैंने टास्क दिया, कल आप करके आओगे, करके आओगे। आपकी एक कम्युनिटी है जिसमें से 25 लोग 30 लोग कर रहे हैं आपके साथ ट्रेनिंग, वो देखेंगे यार ये बंदा ऐसा कर रहा है, मुझे भी ऐसा करना है, ये बंदा इतना अच्छा कर रहा है, मुझे और अंदर अच्छा करना है। तो इससे क्या होता है, कम्युनिटी पावर मिलती है, जो कि जब आप, जैसे मैंने जिम का एग्जाम्पल लिया था, सेम वैसा ही रहता है। और दूसरी चीज, जब आप यहाँ पर फेस टू फेस मॉक देते हो तो आपको ना, एक जैसे अभी किसी से पूछ लो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो थोड़ी देर के लिए वो नर्वस हो जाएगा, क्या बताऊँ अपने बारे में, ठीक है। लेकिन आप क्या करते हैं, उसी को एवरी वीक करा देते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, एवरी वीक करा देते हैं कि व्हाट्स योर फ्यूचर गोल, एवरी वीक करा देते हैं कि व्हाट्स योर हॉबी, एवरी वीक करा देते हैं कि भाई क्या बोलते हैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में कैसे एक्सप्लेन करना है। तो आप इन चीज़ों से क्या हो जाता है ना, यूज टू हो जाते हो गाइस। तो जब इन चीज़ों से यूज टू हो जाते हो तो बड़ा आसान लगने लगता है, फिर आपको लगता है अरे इंट्रोडक्शन तो मैं रोज ही देता था सर को, या भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, आपको फिर हैबिट पड़ जाती है। तो गुरुकुल इज ऑल अबाउट हैबिट्स, ठीक है। इसके अंदर तुम्हें पूरा बीम की तैयारी करवा दी जाती है, जिसमें जैसे कि आपके माइंड में आएगा कि सर कौन कौन सा सॉफ्टवेयर पढ़ाते हैं, तो अगर सॉफ्टवेयर की बात कर लूँ तो सॉफ्टवेयर में जैसे कि आपका ऑटो कैड, तो भाई प्रैक्टिस के लिए कि हाथ बैठा रहे आपका, उसके लिए मेन जो सॉफ्टवेयर है वो है रेबिट आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर, MEP, नेविसवर, टिकला, ये मेन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर भी सिखा देते हैं कि मान लो किसी कंपनी को रिक्वायरमेंट है, आपको रिजेक्ट न किया जाए, इसलिए 3ds Max और स्केचअप भी सीख के रखो। प्लस बीम के सारे कॉन्सेप्ट, LODs क्या होते हैं, ठीक है, उसके बाद 2D, 3D, 4D फिर क्या होता है, सेंट्रल फाइल क्या होती है, कैसे कनेक्ट करेंगे फाइल को, स्कैन टू बीम क्या होता है, BM360 क्या होता है, ये पूरा प्रिपरेशन, रेनफोर्समेंट किसी मेंबर में कैसे डालेंगे, कनेक्शंस कैसे डालेंगे, ये पूरी लिस्ट है। तो मुझे लगता है कि मुझे लिस्ट डायरेक्ट दे देना बेहतर रहेगा, तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर आप वो लिस्ट को अगर सही से उतना टॉपिक अगर प्रिपेयर कर लें, तो अभी तक का यही रिकॉर्ड रहा है कि जिसने भी उतने टॉपिक को प्रिपेयर किया है उसके बाहर से कुछ पूछा ही नहीं गया है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली मेरे पास अभी लगभग 6 साल हो गया, 7वां साल लगा हुआ है, 7 साल का एक्सपीरियंस है कि 7 साल में एग्जैक्टली हमने वो गेट कर लिया है कि यार पूछ क्या सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, फिर बता देता हूँ गुरुकुल के का एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्या है, कुछ लोग को पता है तो मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा, फिर आपको टाइम रहेगा, आप जितने डिटेल्स आपको पूछना हो कि आपका कैरियर में गैप है तो आपके लिए कैसे गुरुकुल बेनिफिट करेगा, आपको टाइम नहीं मिल पाता तो कैसे बेनिफिट करेगा, प्लस आपके पास और कोई सपोर्ट्स की नीड है तो उस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो पहले एक बार बता दूं ब्रीफ सिलेबस के बारे में, ठीक है, स्क्रीन में शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हो। देखो गाइस ये है क्या बोलते हैं, अभी आज एक टेस्ट भी था, कुछ लोगों ने अटेंड भी किया, बट मुझे पता था उतना अच्छा लोग परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ा BIM जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो ये BIM का अगर आपको एग्जैक्टली क्रैक करना है कोई भी इंटरव्यू, तो BIM एलिजिबिलिटी टेस्ट का ये सिलेबस है, तो ये आपको टेस्ट देना ही पड़ता है, ठीक है। ये टेस्ट के लिए आपको जितने टॉपिक्स लगते हैं वही हमारा सिलेबस है, तो वो टॉपिक्स हमारे हम सब कवर कर लेते हैं यहाँ पर अपना, ठीक है। आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा तो उसका टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। ऑटो कैड में हम वो जो आप ऑटो कैड सीखे हुए हैं, हमारा वो ऑटो कैड एम ही नहीं है, हमारा एम थोड़ा अलग है। हमारा एम है रेरा पढ़ना, बिल्डिंग बाय लॉ पढ़ना, चेकलिस्ट पढ़ना, वर्किंग ड्राइंग का, प्लान का, सेक्शन का, बीम कॉलम की पोजीशन को समझना, फुटिंग कहाँ पर कौन से टाइप का, स्लैब कौन से टाइप का, सपोर्ट के बारे में समझना। अब देखो आपने जो ऑटो कैड पढ़ा हुआ और ये जो पढ़ रहे देख रहे होगे एकदम डिफरेंट दिख रहा होगा, और हमारा एम ही है यूनिक करना, इसीलिए अपन यूनिक ही करते हैं। प्लस इंडस्ट्री की चीजें, प्लानिंग सीखो, सेक्शन सीखो, एलिवेशन सीखो, सिंपल ड्राइंग भी पढ़ाता हूँ क्योंकि सीधी सीधी बात है, इमेजिनेशन नहीं अच्छा होगा तो आप अच्छा एलिवेशन नहीं बनाओगे। तो ऑटो कैड का सिलेबस है, ये रैबिट का सिलेबस है। आई होप कि सबने लगभग रैबिट को कभी ना कभी सुना होगा, पर मैच करना है सिलेबस को, तो आपका सिलेबस ये सिलेबस मैच ही नहीं करेगा क्योंकि पूरा ये इंडस्ट्री का सिलेबस है। पैरामेट्रिक फैमिली, नॉन पैरामेट्रिक फैमिली हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, LODs इंपॉर्टेंट है, ये 2D 3D का पूरा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। सीधी सीधी बात है, मॉडलिंग तो हम कर ही ले रहे हैं ना, एडवांस मॉडलिंग, बेसिक मॉडलिंग, तो उसका रेंडर करना हमको बेस्ट क्वालिटी का आना चाहिए, ठीक है। वॉक थ्रू आना चाहिए, BM360 आना चाहिए, स्कैन टू बीम आना चाहिए, पॉइंट क्लाउड, स्मार्ट बिल्डिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो हमारा सिलेबस रेविट का भी बीम ओरिएंटेड है पूरा का पूरा। उसके बाद टेक्ला में भी जो चीज़ें हैं वो एकदम रेवी स्ट्रक्चर्स का एक्चुअली है, बेसिक ऑफ रेवी स्ट्रक्चर, सेंटर लाइन, कॉलम, बीम, फुटिंग, ये सब पूरा का पूरा रेविट का सिलेबस है, रेवी स्ट्रक्चर्स का। और रेवी स्ट्रक्चर्स के बाद ये पूरा MEP का सिलेबस है। आप आराम से देखना, कुछ भी दिक्कत रहेगा मुझे DM कर देना कि सर ये मुझे नहीं समझ में आया, आई विल गाइड यू, डोंट वरी।
उसके बाद टिकला यहाँ से स्टार्ट होता है कि कनेक्शन स्टील का कैसे देंगे, ट्रसेस कैसे बनाएंगे, स्टील मेंबर्स कैसे बनाएंगे, पीवी कैसे बनाएंगे, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग्स कैसे, बीवीएस वगैरह किसी को निकाल के देंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, जीए ड्रॉइंग्स, देखो सब कुछ क्या है कॉर्पोरेट का है कि जीए ड्रॉइंग्स सबमिट करना पड़ता है ना, जनरल अरेंजमेंट ड्रॉइंग कैसे बनाएंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल में आप सीख जाते हैं। ठीक है, उसके बाद शॉप ड्रॉइंग्स सुना होगा आप लोगों ने, इरेक्शन ड्रॉइंग्स, फैब्रिकेशन ड्रॉइंग्स, सिंगल पार्ट ड्रॉइंग्स, ये सारा कुछ आपका पूरा का पूरा एडवांस लेवल्स। इसके बाद थोड़ा सा बेसिक 3ds मैक्स भी रहता है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन ऑटो कैड रेबिट में क्या पूछ सकता है इंटरव्यूअर, टिकला में, स्केचअप में, 3ds मैक्स में, नेवी स्टोर में क्या पूछ सकते हैं, पूरा ये डिटेल में एक्स्ट्रा नॉलेज कवर करते हैं। एचआर के क्वेश्चंस कहाँ तक आ सकते हैं, मैं एचआर के क्वेश्चन पढ़ा देता हूँ, अभी कोई वो नहीं है, बट ये बता सकता हूँ कि उसके बाहर से एचआर को क्वेश्चन होता ही नहीं है। ठीक है, ओनली 80 क्वेश्चन है, उसी में घुमा फिरा के सामने वाला पूछेगा, उसके अलावा नहीं पूछ पाएगा। बीएम प्रोफाइल नॉलेज क्या होती है, हिस्ट्री बीएम की, डायनमो क्या होता है, रिकैप के बारे में, एस्टिमेशन एंड बीवीएस, उसके बाद एडवांस कंक्रीट, ठीक है, डेंसिटी के बारे में, बीआईएम की हिस्ट्रीज, न्यू अपकमिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से मार्केट में है उनके बारे में, फ्यूचर ऑफ बीआईएम, थोड़ा फास्ट क्यों कर रहा हूँ जिससे कि सारे चीज़ें कवर कर लूँ, और प्लस ये पीपीटी आपको भेजने वाला हूँ सो ज़्यादा हैटिक नहीं है। आर्किटेक्चर डिज़ाइन और डॉक्यूमेंटेशन, 4D क्या होता है, ठीक है, वर्क शेयरिंग इन द सेंस कि आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर्स MEP तीनों को कैसे एक ही फाइल से कैसे तीनों एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन, कनेक्टेड बीम, जनरेटिव डिज़ाइन, कॉन्सेप्चुअल मॉडलिंग, एडवांस फैमिली मॉडलिंग, विजुअल प्रोग्रामिंग, जनरेट डिज़ाइन, लैंडस्केपिंग, स्कैन टू बीम, एनर्जी एनालिसिस, और विजुअल प्रोग्रामिंग एंड जनरेट डिज़ाइन, क्वांटिटिफिकेशन, ये जो क्या बोलते हैं अपना नवी सर्क होता है उसमें रहता है क्वांटिटिफिकेशन। ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो कि मैंने शॉर्ट शब्दों में लिखा है जिससे कि आराम से आप पढ़ सको, और ये पूरा का पूरा इस गुरुकुल में सिखाया जाता है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको खुद से भी पढ़ सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये पूरा का पूरा अगर आपने रेडी कर लिया आज के टाइम पर आप BIM के किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, इसकी गारंटी मैं ले लूँगा। अब बात करते हैं गुरुकुल में करते क्या है हम लोग, उसको भी दिखा देते हैं, लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था इसके बारे में जो गुरुकुल का काम है वो क्या है। ठीक है, गुरुकुल का काम है कि आपको एक अच्छी ऑफिस जॉब दिलाना, एक अच्छी लाइफस्टाइल आपकी मेंटेन रहे, उस चीज़ के लिए टारगेट करते हैं। आप जितना सबको लवलव बहुत ट्रस्ट करते हो, तो मेरा काम क्या है, आपको पूरी तरीके से गाइड करना। ठीक है, गाइड करके आप जहाँ पे भी जा रहे हो आपको राइट पाथ देना कि यार इस तरीके से जाओगे तो इसमें अच्छा करियर बना सकते हो। तो उसके लिए जो मेन सॉफ्टवेयर्स हैं वो ये सारे सॉफ्टवेयर्स मेन वाले हैं, उसके बाद BIM का पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, और मेन टारगेट वही है कि आपको कॉन्फिडेंस देना कि यार कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा डेली का ही कॉन्फिडेंस का रहता है। ठीक है, और ईच स्टूडेंट्स का हम लोग, क्योंकि 25 से ज़्यादा स्टूडेंट करते ही नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा 1 फरवरी से बैच स्टार्ट है, 15 को क्यों कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि वो बैच फुल हो गई है, हमको उसमें पूरा भरना नहीं है, नहीं तो पता चला हम किसी को ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। तो हमारा मेन टारगेट रहता है कि ईच स्टूडेंट्स को हम पर्सनली 4 महीने के लिए अपने अकॉर्डिंग उनको गाइड कर सकें, और उनको सही पाथ मिल जाए जिससे कि वो सही से काम कर सके। ट्राई टू बिल्ड योर कंसिस्टेंसी, सबसे बड़ी चीज़ जो चीज़ है पूरी गुरुकुल की, ये वर्ड है और कुछ नहीं है। क्या है कंसिस्टेंसी आप लोगों से, मतलब ये कि आपको बीम के बारे में पढ़ने के लिए बहुत से चीज़ मिल जाएंगी, बहुत से डाटा मिल जाएंगे, पर ये जो चीज़ है ये बहुत काम का चीज़ है, ये आपको पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी जो मेंटेन करने का काम है वो सबसे प्लस पॉइंट है इसका। ठीक है, इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ पर मिल जाएगी आपको, कंप्लीट प्रिपरेशन कर लोगे इंटरव्यू का। ट्राई टू फिनिश योर इंटरव्यू फियर, ठीक है, मेरा काम है आपका जो इंटरव्यू का डर होता है, कैसे प्रेजेंट करूँगा, कम्युनिकेशन कैसे करूँगा, ठीक है, वो सब क्लियर कर देना यहाँ पर। वी विल गाइड यू द बेस्ट कंपनी, हम आपको ये भी बताते हैं कहाँ कहाँ पर ओपनिंग चल रही है और कैसे कैसे हम आपको वहाँ पर कैसे क्रैक करना है इंटरव्यू, उसको भी हम आपको यहाँ पर गाइड करते हैं। क्या करने वाले हैं, सबसे बड़ा चीज़ यही रहता है कि क्या करने वाले हैं गुरुकुल में हम लोग। ठीक है, तो कुछ लोग अभी आए हैं, मनीष कुमार सैनी आए हुए हैं। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं हम लोग सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में, डेली टास्क देते हैं यहाँ पर और डेली आपको सबमिट करना होता है, इसलिए सभी गुरुकुल नहीं करते हैं, जिसके अंदर डेली काम करने की हैबिट होगी वही कर पाएगा। डेली वीडियो दूंगा, मतलब आपको वीडियो देता हूँ, स्टेप वाइज सीखना है, उसके अकॉर्डिंग टास्क रहता है करना है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत करने के लिए आपको PDF मिलेंगे, और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको हम क्लास में ही पूरा डिस्कस करेंगे। वीकली मॉक होता है आपको बता दिया, HR राउंड, टेक्निकल राउंड दोनों ही,
लाइव कैट टेस्ट होता है, मतलब आपको 30 मिनट में ड्राइंग सबमिट करना है तो करना है, फास्ट फास्ट बनाना पड़ता है, फिर मैं फीडबैक बताऊंगा गलत कहाँ पर है, ठीक है। जब आप बेटर करने लगोगे तो डेफिनेटली मैं आपको लाइव प्रोजेक्ट्स दूंगा, ठीक है, उससे मेरा भी बेनिफिट है, आपका भी बेनिफिट है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ सारे सॉफ्टवेयर मैं दूंगा, इंस्टॉल करने का प्रोसेस बताऊंगा, इंटर्नशिप का आपका सर्टिफिकेट से पूरा कैरियर गैप आपका मेंटेन हो जाएगा अगर कैरियर गैप होगा तो, इसलिए इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट आपको काफ़ी हेल्प करता है। बाकी लैपटॉप वगैरह होना चाहिए और आपकी ये 20,000 इस काफ़ी है। बस इतना ही आपका क्या बोलते हैं ऑल अबाउट गुरुकुल है शॉर्ट में। अब मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा क्योंकि मेन है आपका क्वेश्चंस, और उन क्वेश्चंस से आपको बेनिफिट मिले, आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या करने वाले, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप हैंड रेज भी कर सकते हो, आपके जितने क्वेश्चन है आराम से पूछो, मैं सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अभी किसी पूछना कोई क्वेश्चन, साहिल, संकेत, हाँ साहिल बोलो, सॉरी प्रिंस, प्रिंस बोलो। सर मुझे वही लैपटॉप में प्रॉब्लम है कि कौन सा लैपटॉप लें। अच्छा आपने बताया था एचपी पवेलियन का, बट उसमें भी दो तीन आते हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, देखो मैं इसलिए वो नहीं करता हूँ, मतलब कि मेरे को क्या रहता है कि सही चीज लो, ठीक है, राइजन का प्रोसेसर ले लो, ठीक है, और एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड, और उसके बाद अपना 16 GB अगर रैम का अफोर्डेबल है तुम्हारे पास प्राइस का तो ठीक है, नहीं तो 8 GB रैम सफिशियंट है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, और बाकी तुमको नहीं मिलेगा तो मुझे बोलना, हम लिंक भेज देंगे, ठीक है, और अगर मिल जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर, ठीक है। और भी कोई किसी का कोई क्वेश्चन है, ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है? शक्तिमान, शक्तिमान ने तो पहले भी एक बार अटेंड किया था ना, शक्तिमान तुमने एक बार शायद गुरुकुल का वो अटेंड किया था मुझे लगता है। कौन से हाँ चलो, ओके, ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछो आराम से, टेक योर टाइम, और आपको जो भी थॉट दिमाग में क्रॉस क्वेश्चन आपको लग रहा है कि यार ये मेरे को दिक्कत कर रहा है तो पूछ लो। सर वो जो एलओडी वाला थोड़ा समझ में नहीं आता। ठीक है, बता, ठीक है, एलओडी का मतलब होता है कि एलओडी मतलब होता है कितना, ठीक है, मैं बंद कर दूंगा माइक क्योंकि बैकग्राउंड से क्या बोलते हैं आवाज आ रही है। एलओडी का मतलब होता है, देखो सीधी सीधी बात होती है कि अभी हम लोग अगर बात करें किसी चीज का, सपोज कि अभी हमें एक किसी का घर बनाना है, क्या बनाना है, घर बनाना है, ठीक है। घर बनाने का एक सिंपल तरीका क्या होता है, सिंपल तरीका होता है कॉन्सेप्चुअल डिजाइन कर लिया कि यार एक रूम यहाँ रख देंगे छोटे वाले भाई के लिए, इधर रख देंगे बड़े वाले भाई के लिए, इधर रख लेंगे खुद के लिए, एक बाथरूम यहाँ बना देंगे, किचन यहाँ बना देंगे, ये क्या हो गया, आपने कुछ ज़्यादा सोचा नहीं, आपने जस्ट कॉन्सेप्चुअली सोच लिया चीज़ को कि कुछ ऐसे ऐसे बना लेंगे, ओके। फिर आपके दिमाग में आया कि यार इसको ना प्रॉपर इतने बाई इतने का बनाएंगे इधर, इतने बाई इतने का बनाएंगे इधर, इतने बाई इतने का बनाएंगे इधर, इतने बाई इतने के, और डीप में चले गए तो एलओडी का लेवल बढ़ गया आपका, अब हो गया आपका प्लानिंग हो गया कि इतने बाई इतने, इतने बाई इतने, इतने का ये कर देंगे, ओके। अब आपका मन किया कि यार नहीं यार और डिटेल में जाते हैं, और डिटेल में क्या, आपने एक थोड़ा सा 3D स्केच कर लिया, 3D स्केच कर लिया मतलब कि हाँ यार अब थोड़ा सा ऐसा लगे कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ, ठीक है, तो 3D स्केच भी आपका रेडी हो गया, तो क्या आपका एलओडी और ऊपर आपका चला गया, मतलब लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आपने कहा यार मैं ना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि इसके सारे प्रोसेस हमारे पास रिकॉर्ड रहे, कि इतने बाई इतने का ये पूरा, मतलब कॉलम डाल रहे हैं तो कॉलम में कितना रेनफोर्समेंट रहेगा, बीम में कितना रेनफोर्समेंट रहेगा, फुटिंग में कितना रेनफोर्समेंट, इसका पूरा का पूरा डिटेल हमारे पास डॉक्यूमेंट रहे, ठीक है, और अप्रूवल जो रहेगा ऐसे ऐसे रहेगा, सबमिशन ड्राइंग ये रहेगी, वर्किंग ड्राइंग ये रहेगी, फुल डिटेल्स निकाल कर रख लिया, ओके, ठीक है जी, ठीक है। फिर किसी को ऐसा लगा कि यार थोड़ा और डीप में जाता हूँ, तो कैसे डीप में जाना है, उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि जैसे जैसे बनता रहे हमें वो स्टेप्स भी पता चलता रहे कि इस तरीके से ये बनने वाला है, ऐसे कॉलम आएगा, इस मंथ में कॉलम आ जाएगा इस तरीके से, और उसके बाद फिर इस पे बीम आएगी, फिर उसके बाद स्लैब आएगा, फिर उसके बाद ये रेडी हो जाएगा, ये पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दिया। सोचो कहाँ थे हम लोग, जस्ट कि एक रूम यहाँ बना देंगे, एक रूम यहाँ बना देंगे, क्या रूम बना देंगे, अभी हो गया कि किस मंथ में कितना डेवलपमेंट, कैसे कैसे डेवलपमेंट होता रहेगा वो सब डिसाइड कर लेना। आप यहाँ पर भी नहीं रुके, आपने कहा मैं चाहता हूँ एक ऐसा आ जाए कि सीधे सीधे हमको ये फील हो जाए कि मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और ये TV चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर अपने ड्राइंग क्या बोलते हैं बालकनी में हूँ, बालकनी से ये पूरा का पूरा व्यू देख रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एज बिल्ड, यानी LOD 400 और LOD 500। तो आपने पूरा विजुलाइज कर लिया, एक इमेजिनेशन बना लिया कि अच्छा ठीक है हम यहाँ बैठेंगे,
ओके अगर इसे बैठ रहा हूँ तो कहीं जो मैं चेयर रख रहा हूँ, डिटेलिंग के लेवल समझना, चेयर रख रहा हूँ तो मैं कैमरे पर देख रहा हूँ कहीं मेरा सिर ऐसा तो नहीं हो गया या फिर इतने पर रहेगा ना। ओके कितने हाइट पर चेयर या फिर हमारा सोफा रहे कि हम प्रॉपर देख पाएंगे। जब हम मीटिंग रूम में बैठे हैं तो पता चला हम बैठे ऐसे और एकदम ऐसे नीचे चले गए। अब बोलोगे सर ये क्या, अब मतलब सही से दिख ही नहीं रहे, तो एग्जैक्टली क्या हाइट होनी चाहिए हमारे चेयर की, वो डिटेलिंग्स, अलमीरा की डिटेलिंग्स कितनी हाइट पर होनी चाहिए। उसके बाद हमारा सीलिंग्स कितने हाइट पर, जब हम खड़े हुए सीलिंग ही हमारे सिर पर टक रहा है तो सीलिंग का हाइट क्या होना चाहिए, पूरा का पूरा जो एज बिल्ट डिटेलिंग होता है वहां पर होते हैं LOD 500। कुल मिला के ये कुछ ऐसा हो गया कि जितना डिटेल में चीजों के बारे में चले जाओगे उतनी यदि आपकी लोडीज बढ़ती जाएगी। यही होता है शक्तिमान शॉर्ट आसान भाषा में एलओडी के बारे में, बाकी है तो बहुत कुछ बट एक शॉर्ट में ये है। समझा क्या? ठीक है मनीष, कोई डाउट है, कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है नितिन, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछ लो यार। ठीक है आपको फुल टाइम है, आप ही लोग का है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर उसके बाद मीटिंग को वो करेंगे। ठीक है और फिर किसी दिन टाइम लगा तो फिर से करेंगे। ठीक है ओके रहमान, रहमान बोलो, तंगी रहमान बोलो, रमन अपना माइक ऑन कर लो। इकनास सर ये बोल रहा हूँ कि हम लोग इससे क्वांटिटी वगैरह सब निकाल सकते हैं, एस्टिमेशन ये सब। वो देखा होगा अपने सिलेबस में लास्ट में लिखा था क्वांटिटीफिकेशन, सर उसका काम ही है पूरा का पूरा क्वांटिटी निकाल देना। ठीक है और आज से कुछ साल के बाद मतलब आने वाले 3 से 4 साल के बाद देखना एस्टिमेशन की जितनी जॉब है ना सब BIA में चली जाएंगी। ठीक है जी जैसे पहले हैंड वाली ड्राइंग्स थी ना, पहले वो लोग मेरे खूब अच्छे से याद है जब मैंने कॉलेज स्टार्ट किया था उस समय भी बहुत से आर्किटेक्ट थे जो हाथ से स्केच करके प्लान देते थे। जी आज है क्या? नहीं नहीं, नहीं ये ट्रेंड बदल रहा है, धीरे धीरे बदल जाएगा और तरीके से। सर एक और डाउट था बोल कि इसको करने के बाद हम लोग मतलब एक प्रोजेक्ट का पूरा सब कुछ कर सकते हैं लाइन ड्राइंग से हम लेके अप टू क्या आर्क करते तक। हैं ना, मतलब इसमें हम पोर्टफोलियो रेडी कर देते हैं आपका। पोर्टफोलियो मतलब हाँ आपके लिए कंप्लीट वो वर्कबुक बना के दे देते हैं। ठीक है जी और वो सर आप कब बना पाओगे, जब प्रोजेक्ट करोगे, आपके खुद के प्रोजेक्ट का तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ सर ठीक है तो करीब करीब आप 30 से 35 प्रोजेक्ट करते हो, 35 में से हम लगभग लगभग 20 प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट कर देते हैं, केवल 10 से जो 15 क्रीम प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको रखते हैं सैंपल के रूप में, वो हम आपको दे देते हैं। ओके सर और वे सारे प्रोजेक्ट आपके खुद के रहेंगे, हम जितने लोग रहेंगे इंडिविजुअल सबके रहेंगे, मेरे नहीं रहेंगे, है मेरे पास बहुत से बट मैं नहीं दूंगा, मैं बोलूंगा आप मेरा देख के बना लो बट बनाना आपको खुद का है। हाँ हाँ सर तो सबको लगता है ना कि अपन को यार मेरा अच्छा होना चाहिए, मैं बनाता हूँ और मेहनत करेंगे वो, इसलिए। जी जी सर और बताओ नहीं सर यही डाउट था बस। चलेगा थैंक यू ओके नितिन अपना माइक ऑन कर लो। सर सॉफ्टवेयर तो आप डाल के दोगे ना हमारे लैपटॉप में सर। नहीं, हम सॉफ्टवेयर डाल के नहीं देंगे, हम सॉफ्टवेयर सिखा के देंगे। रीजन ये है कि कल को तुम्हारा सिस्टम फॉर्मेट हुआ फिर तुमको प्रॉब्लम जी जाएगी है ना, तो हम कोशिश करते हैं कि आपको चीजें सिखा दें। ठीक है तो जी हम बता देंगे कि ये प्रोसेस है, लर्न कर लो प्रोसेस और फ्यूचर के लिए तुम लॉन्ग टर्म के लिए अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की तुम्हारे अंदर कैपेबिलिटी आ जाए। हो गया ठीक है हाँ, सर कहीं पर जी नहीं हुआ ऐसा लगे बहुत क्रिटिकल केस हो गया तो आई एम विथ यू। जी ठीक है सर ठीक है बस ये डाउट था मुझे। चलेगा और किसी कोई डाउट है? और अमन कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ अमन बोलो। सर मैंने आपका ऑफलाइन का BIM कोर्स खरीद चुका हूँ सर, तो वीडियो कोर्स ना। जी सर हाँ तो मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊँ, ऐसे ऑटो गाइड मैंने पूरा उससे सीखा सर। यही यही मेरी प्रॉब्लम होती है जो कंटिन्यू। वैसे एक तुम्हें एक न्यूज़ बता दूँ, तो जो भी तुमने उससे वीडियो कोर्स का फी वगैरह पे किया है तो उसमें सब माइनस हो जाता है। ठीक है तो वो तो तुम्हारा प्लस पॉइंट ही है। दूसरी चीज यही प्रॉब्लम होती है अमन कि हम वही मेरे स्टार्टिंग थोड़ा लेट आए तो मैंने बोला कि लोग डंबल खरीद कर रख लेते हैं पर एक्सरसाइज नहीं हो पाती है। क्यों? क्योंकि वो कम्युनिटी नहीं मिलता, वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता ना। तो तुमने क्या किया, ऑटो गाइड को फिनिश किया, रेबिट आते आते तुमको ऐसा लगा यार अभी चलो बाद में कर लेंगे, वीडियो कोर्स तो है ही, और धीरे धीरे वो क्या होता है गैप होता चला गया और हो नहीं पाता। राइट है कि नहीं? अच्छा ठीक है इसी चीज को खत्म करने के लिए हम एक गुरुकुल का प्रोग्राम इसी बेस पे है। ठीक है और बताओ कोई डाउट? ओके कौशिक कुछ सर हाँ बोलो 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 आराम से इनकी बोलो। बनाने के लिए स्केचअप सर इजी पड़ता है शायद, किस क्या बनाने के लिए? 3D जैसे हाउस प्लान का 3D बनाने के लिए सर। देखो 3D यहाँ पर BIM मतलब क्यों 3D नहीं होता ना। ठीक है BIM
3D उसका एक छोटा सा पार्ट है, समझ रहे हो। तो हमें सब सारा काम करना है तो हमें रैबिट पर यूज टू होना पड़ता है, क्योंकि रैबिट में क्या है, सर्वर है, ये कनेक्ट हो सकता है, स्कैन टू बीम की फाइल इसके अंदर आ सकती है, आर्किटेक्चर का फाइल स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर का फाइल MEP में ट्रांसफर कर सकता है एक साथ। तुम अपने घर पर बैठे हो, मैं अपने घर पर बैठा हूँ, कोई और अपने घर पर बैठा है, BIM 360 से कनेक्ट हो सकता है। तो ये सारे जो फीचर्स हैं वो फीचर्स तुम्हें क्या बोलते हैं स्केचअप नहीं दे सकता है, इसलिए जो बड़ी इंडस्ट्रीज है वो रैबिट को यूज करती है, समझ गए। यस ओके, और कोई डाउट है बोलो। ठीक है चलो, कौशिक कुछ बोलना चाह रहे हैं, कौशिक बोलते हैं, फिर उसके बाद नीलेश तक आते हैं। हाँ कौशिक बोलो। हेलो सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आपसे परचेज किया है सर, कोर्स परचेज किया है मैंने BIM का। सर इसमें मेरे को ऑटो कैड आता है, रैबिट आर्किटेक्चर आता है, लिटिल बिट आता है, स्ट्रक्चर भी आता है और स्केचअप भी आता है। करेक्ट। तो सर ये जो गुरुकुल बैच है, तो इसमें जो ये कोर्स मैंने मतलब लिया हुआ है BIM में, तो इसमें सर आगे कैसे होगा सर, क्योंकि कंपनी मांगती, क्योंकि एक्चुअली मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो है कंस्ट्रक्शन का, तो आगे जाके क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिए हैं, मैंने फेस करा है कि वो मेरे से बोलते हैं कि आपको साइट का नॉलेज है, आपको डिजाइनिंग का नॉलेज नहीं है। करेक्ट। तो सर ये आगे किस बेस पे होगा, कैसे से मतलब जो भी बातें होंगी किस हिसाब से होगा, सॉफ्टवेयर के बारे में कैसे उनसे मैं डील करूं उनसे। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि साइट पर मेरा नॉलेज है। मैं कंपनी, गुड आफ्टरनून सरोज, मैं कंपनीज के लिए जा रहा हूं, तो कंपनीज बोल रही है कि आपका नॉलेज तो साइट पर है, हम आपको क्यों हायर करें। सही बात यही है कि मैं भी आपको हायर नहीं करूंगा, मेरी भी कंपनी हायर करेगी। ठीक है, तो मैं क्या, अभी आपको कैसे अप्रोच करना चाहिए, तो आपको अप्रोच करने का थोड़ा सा तरीका अलग करना पड़ेगा। तरीका क्या करना पड़ेगा, हम जो गुरुकुल प्रोग्राम कराते हैं इसमें 4 मंथ का इंटर्नशिप सर्टिफिकेट देते हैं। ठीक है, प्लस इंटर्नशिप में एक आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रेडी करते हो। ठीक है, तो आपको क्या बोलना है कि यस आई वॉज यूज टू विथ माई साइट नॉलेज, ठीक है, एंड आई एम गुड इन दैट, एंड साइड बाई साइड आई लर्न 4 मंथ BIM इंटर्नशिप, एंड दिस इज द माई पोर्टफोलियो, कैन सी द माई वर्क। जब तुम किसी को अपना 20 से 25 प्रोजेक्ट इन हैंड करोगे, सामने से रखोगे 20 से 25 प्रोजेक्ट, क्या वो क्वेश्चन करेगा कि आपने क्या बोलते हैं आपको नहीं आता है? क्वेश्चन करेगा तो वो खुद बेवकूफ हो जाएगा ना। आपको यहाँ पर डायरेक्ट ये बोलना है कि हमने इतने सॉफ्टवेयर सीखे हुए हैं, ये BIM को कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, और ये वर्क आपके सामने, वर्क हम आपको साथ में देख भेजते हैं, ये वर्क लेके जाओ दिखाओ उनको। तो जैसे तुम वर्क दिखाते हो प्लस 4 मंथ का इंटर्नशिप दिखाते हो, सामने वाला समझ जाता है कि यस वो किसी और इंडस्ट्री में था और उसने 4 महीने लगा के फुल इंटर्नशिप में नॉलेज गेन करके सामने वाला हमारे सामने बैठा हुआ है, इसका मतलब ये राइट कैंडिडेट है फॉर दिस प्रोफाइल, समझ गए। ओके, तो तुम यहाँ पर इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दिखा रहे हो। मैं सर्टिफिकेट को हमारे लिए तो मायने नहीं रखता, वो कागज का एक वो टुकड़ा है, लेकिन मेन मायने ये रखता है कि 4 महीने जब इंटर्नशिप किया है तो 4 महीने में सीखा तो बहुत कुछ होगा। ठीक है, और क्या सीखा हुआ है उसकी पूरी लिस्ट हम आपको दे दे रहे हैं, तो सामने वाला अपने प्रोफाइल से मैच कर लेगा। अच्छा मुझे तो ये मुझे चाहिए था, इसे जीए ड्राइंग आना चाहिए तो आता है, इसको सॉफ्ट ड्रिंक्स को बनाना आना चाहिए, ओके मुझे इसको तो आता है, इसको इरेक्शन ड्राइंग बनाना चाहिए, इसको तो ये भी आता है, कनेक्शन आना चाहिए ये भी आता है, हो गया आपने मैच करा दिया उसका रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो हाँ जी सर, मैंने एक्चुअली मैंने जो जैसे कि अब मैं कंस्ट्रक्शन में हूँ इस टाइम पे, अब कंस्ट्रक्शन में हूँ, जैसे अब आप कह रहे हैं कि हाँ ये कोर्स मैंने परचेज करके मैं सीख भी रहा हूँ, और जो गुरुकुल बैच है तो इसमें लाइव प्रोजेक्ट पे काम होगा। डेफिनेटली लगभग लगभग सारे ही लाइव प्रोजेक्ट पे ही आपको काम करने होंगे, क्योंकि उसमें भी तभी आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जी जी, और अप्रोक्स दूसरे दिन पर, हर दूसरे दिन पर नया प्रोजेक्ट मिल जाता है। ठीक है, तो आपके ऊपर वैसे ही इतना प्रेशर होने होता रहेगा कि आप खुद ही प्रोजेक्ट को करने लगते हो, धीरे धीरे आपके मैक्सिमम प्रोजेक्ट अपने लाइव ही रहते हैं। ठीक है, और लाइव प्रोजेक्ट पे जब प्रैक्टिस करते हो वहां जहां गलती होती है हम आपके साथ रहते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए सरोज यहाँ पर मैं साथ है, सरोज ने कई ढेर सारे प्रोजेक्ट्स अपने ऑलरेडी ये काम भी कर रहे हैं, बट अपने गुरुकुल में भी ढेर सारे प्रोजेक्ट्स अपने ये हो रहे हैं, उनको भी देख रहे हैं, उनको भी कर रहे हैं, चेक करा रहे हैं, जहां गलत हो रहा है हम गाइड कर रहे हैं, फिर आगे चल रहे हैं। तो मेन काम मेरा गाइड करने का है, आपको प्रिपेयर करने का। ठीक है, और वो जो आपने देखो देखो क्वेश्चन आदमी तब तक पूछता है जब तक कि उसको कौशिक हम प्रूफ नहीं करते, समझ। ठीक है, अभी मेरे पास सपोज इन केस अभी मेरे पास हायरिंग चल रही थी एक्चुअली, बीच में मैंने हायर भी किया कल 2 लोगों को, तो कोई भी जब मैंने किसको सेलेक्ट किया, जिसने मुझे अपना काम दिखा के कॉन्फिडेंस दिया मुझे। ठीक है, अभी मैं पीछे में एक वीडियो एडिटर देख रहा था,
ठीक है। और कई लोग क्या करते, रिज्यूम भेजे पड़े थे ठीक है। एक लड़का था, उसने रिज्यूम भी सही से नहीं भेजा था, उसने सिर्फ मेल पे लिखा था अपना नाम, ठीक है। उसके बाद उसने अपना वर्क सैंपल ऐड किया, वर्क सैंपल ऐड करने के बाद अटैच कर दिया। उसका वीडियो देखते ही मैं हैरान हो गया, वाओ क्या एडिटिंग है, ठीक है। आई वॉज इम्प्रेस विद दैट गाय, ठीक है। तो मेरे लिए क्या था, उसका काम देखना। जब तक काम नहीं देखते ना, अभी क्या बोलते हैं, हमारा एक साइट चल रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप किससे करवाने वाले हो, मतलब आपके अंदर जो लोग हैं कौन है। तो मैंने बोला कि हमारे अंदर ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिनसे हमारा काम पूरा होता है। तो बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया। उन्होंने बोला कि सर आप मुझे एक रेफरेंस दे देंगे। मैंने कहा क्या? उन्होंने बोला कि आपके जो जो काम हुए हैं क्या मैं वहाँ जाके उनसे पूछ सकता हूँ? मैंने बोला यस। तो उन्होंने जस्ट जो मेरे वर्क पुराने थे वहाँ पर जाके पूछा, और कि वो जो कॉन्ट्रैक्टर है, मतलब मैं तो कॉन्ट्रैक्टर हूँ नहीं, मैं तो कॉन्ट्रैक्टर को दे देता हूँ प्रोजेक्ट, तो कॉन्ट्रैक्टर है, उसने जो काम करके दिया कोई प्रॉब्लम? उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं सर, बहुत ही कम चीज़ में बहुत अच्छी चीज़ दे देते हैं वो, ठीक है। और तुरंत ही मुझे साइट मिल गई और वो साइट भी कंप्लीट हो गई। तो मतलब समझ रहे हो आप, उसने क्या देखा, काम देखा, उसको जजमेंट हो गया, बस वो डन हो गया, समझ रहे। और कौशिक इसमें एक चीज होता है ना कि देखो अभी यहाँ पर सरोज ने लिखा भी है कि 5 घंटे अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, फिर इसको ज्वाइन करने का भी कोई मतलब नहीं निकलता है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं कोई। तो मतलब मिनिमम 5 घंटे डेली, अभी बहुत मायने रखता है 5 घंटे डेली, ठीक है, डेली ऐसे बैठना 5 घंटे करना है, दैट इज अ बिग डील। बट अगर कर लेंगे तो ये मेरा प्रॉमिस हो सकता है आपके लिए कि आप किसी भी कंपनी का BIM का इंटरव्यू देने के बाद आप ये नहीं कहेंगे सर ये तो बाहर से पता नहीं क्या पूछ लिया, ठीक है, सब आपकी ही दुकान से होगा सब प्रोडक्ट। ओके सर, ओके, चलिए, ओके, हाँ नीलेश जी। सर, सर मैं कह रहा था सर मुझे ऑटो कैड और स्टेट प्रो की बेसिक नॉलेज है, तो मुझे क्या बीम सीखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? मुझे, मैं मास्टर्स नहीं हूँ सॉफ्टवेयर्स में, बट मुझे आता है। देखो हमारा क्या उद्देश्य होता है, हमारा उद्देश्य होता है कि हम ये भूल जाएं कि आपने कुछ सीखा हुआ है, जी, ठीक है। अगर हम ये सोचेंगे यार नीलेश ने कुछ सीखा हुआ है, ठीक है, अमन ने कुछ नहीं सीखा हुआ है, शक्तिमान बड़े टैलेंटेड है, नितिन को कुछ आता ही नहीं है, आता है मजाक मेरे कर रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्लास में जब पढ़ाऊंगा तो मैं किस लेवल पे चलूँ, ठीक है, मुझे मैचिंग, समझ रहे हो, एक ऐसे। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ऐसे चलना चाहिए, ठीक है जी। तो उसमें क्या होगा, जो ऊपर होगा थोड़ा वेट करेगा मैच कर जाएगा, जो नीचे होगा थोड़ा सा मेहनत करेगा ऊपर आ जाएगा। तो हम हमेशा लीनियर वे में चलते हैं, और एकदम पहला जो क्लास होता है इतना स्केच होता है कि आपको सिर्फ एक टी शेप का ड्रॉइंग बनवाते हैं, ऐसे जाओ ऐसे कर सर करके ऐसे खींच दो बस हो गया। रीजन जिससे कि उसको ये ना लगे कि यार मुझे तो आता ही नहीं, तो अपन स्टार्टिंग से ही करते हैं अंदर जी, ठीक है। सर और एक चीज मुझे ये भी पूछना है, जैसे बिम जैसे मैं कोर्स ज्वाइन करता हूँ, मुझे सॉफ्टवेयर सर आपकी तरफ से प्रोवाइड हो जाएगा? हाँ सारे सॉफ्टवेयर मिलेंगे, इंस्टॉलेशन प्रोसेस मिलेगा, और क्या बोलते हैं सब डिटेल में ही मिलेगा, ठीक है सर, थैंक यू। ओके मनीष कुछ बोलना है क्या? हाँ मन बोलो। कोर्स के बाद सर कितना प्रैक्टिस चाहिए कि सर मतलब कि अच्छा से BIM कंप्लीट हो? देखो जैसे आप, हाँ बोलो 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 बोलो, जैसे सर आप पढ़ा दिए हैं लाइव लेक्चर के थ्रू, उसके बाद कितना प्रैक्टिस चाहिए सर की? मतलब देखो इसका 3 घंटा पूरा प्रोसीजर है। इसका प्रोसीजर क्या है, 1.5 घंटे होता है जो मैं लाइव रहता हूँ आपके साथ, ठीक है, वो तो देना ही देना है, ठीक है। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद दूसरा 1.5 घंटा होता है जिसमें आपको मैं एक वीडियो देता हूँ वॉच करने के लिए, तो टोटल 3 घंटे हो गए। उसके बाद 2 घंटे का प्रैक्टिस होता है, तो टोटल हो गए 3 × 5 घंटे। तो हम ये बता के रखते हैं पहले से कि इफ़ यू डोंट हैव अ 5 आवर्स डोंट ज्वाइन दिस कोर्स। 5 घंटे मिनिमम चाहिए, और वो भी कंटिन्यू 4 महीने चाहिए, ठीक है। हाँ ये जरूर है कि 3 महीने में तुम्हारी वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, तुम कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, पर 4 महीने चाहिए हमें, समझ गए, 5 घंटे। एक मिनट मोहसिन, एक बार इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर डिस्कस करते हैं। अमर और कोई क्वेश्चन है क्या? ओके चलेगा, हाँ मोहसिन बोल दो तुम, फिर कौशिक पर आते हैं। करेक्ट, फिर से बोलना मशीन। डेली 5 आवर्स कोई भी नहीं निकाल सकते, हाँ। तो उसके रेफरेंस में कि आपका जो कोर्स है BIM, हाँ। वो कोर्स ज्वाइन कर सकते नहीं, जो 3000 अगर आपके पास करते नहीं आपके पास, तो हम गुरुकुल ज्वाइन करने से मना कर देते हैं मशीन। उसके जगह हम बोलते हैं कि आप वीडियो कोर्स ले लो, ठीक है, वो आप क्योंकि आपको फिर फ्लेक्सिबल रहना पड़ेगा ना,
तो अगर 5 घंटे नहीं आपके निकलते हैं तो आप गुरुकुल में मत आओ, क्योंकि गुरुकुल में आओगे तो क्या होगा ना, गुरुकुल में एक इन्वायरमेंट बना हुआ है सबके प्रोजेक्ट करने की। अगर किसी एक बच्चे को मैंने छूट दे दिया कि आप न करोगे तो भी चल जाएगा, तो ये नुकसान होगा बाकी लोगों का। तो इसलिए हम बोलते हैं कि फिर आप वीडियो कोर्स ले लो जो ऐप पर रखा हुआ है, ठीक है, उससे पढ़ो। जब आपके पास 5 घंटे निकल के आ जाए, ठीक है, 5 घंटे इन द सेंस देखो 1.5 घंटा ही मुझे चाहिए, पर 3 घंटा 3.5 घंटा तुम्हें अपने पास मैनेज करना पड़ेगा, सुबह शाम जब भी तुम्हें मेहनत करना पड़े करो। तो बिना 5 घंटे के तो हम अलाउ नहीं करते मशीन। वीडियो कोर्स से हो जाएगा, वीडियो कोर्स के साथ अगर तुमको चाहिए तो उसमें एक सिविल इंजीनियरिंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट करके कोर्स है, उससे काम कर लो। कोई डाउट रहे हैंड होल्डिंग सपोर्ट में लाइव आता हूँ, पूछ लो और वीडियो कोर्स से पढ़ लो, ठीक है। गुरुकुल में थोड़ा सा हार्ड वर्क है क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट बड़ा अच्छा निकल के आता है। अभी मतलब कि मैं खुद आपको बताऊँ तो 9-9 लाख तक के पैकेज यहाँ पर जा चुके हैं। 6 लाख तो कॉमन हो चुका है कि 6 लाख तक लोग पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। अभी कल ही एक लड़का 6 लाख पे गया, बाकी पीछे भी कई लोग। तो मतलब कि गुरुकुल थोड़ा अलग है, तो इसमें 5 घंटे के बिना तो मजा नहीं आएगा। नहीं, उसको 1 साल का एक्सपीरियंस था, फ्रेशर को 3.6 4.2 तक गया हुआ है। हैदराबाद में है क्या सर अभी अपॉर्चुनिटी, आपके नजर में अब तक कोई आए क्योंकि हैदराबाद में एक हैदराबाद की एक लड़की थी, अगर याद हो तुमको, पता नहीं तुमने यूट्यूब पे रेगुलर अगर रहे होगे, तो एक लड़की थी क्या बोलते हैं मोनिका करके, उसका था 50,000, मतलब 6 लाख का पैकेज था उसका, ठीक है। और हैदराबाद में भी आता रहता है अभी, क्योंकि हैदराबाद काफ़ी डेवलप हो रहा है तो काफ़ी एमएनसीज बैठ रही है वहाँ पे। देखो 50,000 या कोई भी अमाउंट का बात नहीं है, बात होती है ये जो बीम के जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है वो मैक्सिमम एमएनसीज हैं, समझ लो। तो जब सीबीसीडी है, जब एमएनसीज हैं तो पैकेज अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ये प्लस पॉइंट होता है। मैं बाहर जाने के लिए सुन रहा हूँ, तो बाहर पहले साइट पे मिलेगी जॉब, करेक्ट। तो पहले 1-2 ईयर्स वहाँ कर देगा, उसके बाद मैं बीमे शिफ्ट करेक्ट। एज ए फ्रेशर में तो जॉब तो नहीं मिलेगी बाहर, करेक्ट। वहाँ पे देखो बाहर कहीं पे भी जाओगे वो बोलते हैं, एक मिनट जस्ट एक एम्प्लॉय मैसेज करें बता दूँ। ओके, देखो बाहर जब भी जाओगे तो बाहर जब तक काम सीख के नहीं जाओगे तुम्हें कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज़ तुम चाहे जिससे फीडबैक ले सकते हो। मिनिमम वो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो लेकिन ऐसी चीज़ सीख के जाओ जो वहाँ पर डिमांड हो, ठीक है। अब बीम का ऐसा चीज़ है कि बीम का डिमांड हर जगह पे है, ठीक है। तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा कि बाहर के लिए तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, अपना ये सारी बीम का कोर्स को कंटिन्यू कर अगर करके जाते हो, प्लस इंडिया में काम करके जाते हो, तभी तुम्हें वहाँ वैल्यू मिलेगी। मेरा अभी एक हमारा स्टूडेंट है अभिषेक प्रदर्शी करके, गुड़गांव में है, तो वो अभी एक फॉरेन की कंपनी, मतलब दुबई की कंपनी है, उस पर काम कर रहा है। 3 महीने केवल काम किया है, अब उसके परफॉर्मेंस अच्छे थे तो उसके पूरे बैच में से केवल वो लड़का दुबई के जा रहा है। तो अब जाए कि ना जाए उसको ऑफर मिल चुका है, मतलब वो रेडी हो गया है, ऐसा होता है। बट एज ए फ्रेशर बहुत पूछते हैं, वो अगर गए तो भी पहले साइट पे वर्क दे 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 उसके बाद में। एज ए फ्रेशर मतलब जब बिना कुछ सीखे, देखो क्या हुआ, वो 2022 का पास आउट है अब से प्रदर्शी, उसका इंटरव्यू देखना यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, ठीक है, अपन नहीं डाला है, उसने बताया भी है उसने। तो क्या बोलते हैं 2022 का ही पास आउट है, लेकिन उसने 3 महीने में इतना अच्छे से काम किया है कि कोई बाहर की कंपनी नहीं थी, वो दुबई की कंपनी थी, यहाँ बैठ के काम कर रहे थे लोग, तो उनको चाहिए था कि दुबई में भी ऑफिस स्टेब्लिश करें, तो सबसे पहले ऑफर किसको देंगे जो अच्छे होंगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि अगर सीखे रहोगे और प्लस एक्सपीरियंस लिए रहोगे उस चीज़ का, तो आराम से बाहर तुम्हारा वैल्यू रहेगा, ठीक है मोहसिन, ठीक है। तो अभी तुम क्या कर रहे हो पहले बताओ। नेक्स्ट मंथ बाहर जाऊंगा। ओके, ठीक है, तो कुछ सीख के जाओ जिससे कि तुम्हें वहां पर बेनिफिट मिले, ये मैं कहूंगा। क्योंकि अभी तुमको बताऊं तो अभी मेरे पास कई ऐसे लोग हैं जो कि बाहर के लोग हैं, ठीक है, और अभी तो एक तो सबसे पहला जो एडमिशन है वो भी दुबई का ही है, ठीक है। तो दुबई की कोई लड़की हो, उसने एडमिशन लिया हुआ है, तो मतलब कि मैक्सिमम लोग अभी बाहर वाले जो हैं, क्योंकि सीधी सीधी बात है तुमको पता है दुबई में जो फी स्ट्रक्चर होता है बहुत हाई होता है, तो लोग इधर ही सीखते हैं। और मेरे पास तो बहुत ज़्यादा ही लोग रहते हैं जो कि बाहर के रहते हैं, तो लोग क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है वहाँ पर डिमांड है और यहाँ से सीख के जाएंगे वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो वहाँ बैठ के भी लोग करते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं रहता। सर BIM में फ्रीलांसिंग का स्कोप है क्या? BIM में ही सबसे ज़्यादा फ्रीलांसिंग का स्कोप है, उसका रीज़न बताता हूँ। फ्रीलांसिंग हमेशा उस इंडस्ट्री का चलता है जो इंडस्ट्री घर पर बैठ के लैपटॉप के सामने काम करके दे दे, ठीक है। और यही एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप लैपटॉप पे काम बैठ के पूरा का पूरा काम कर सकते हो। बताओ कैसे, प्लानिंग आपको हो के आएगी, ठीक है, आपको मॉडल रेडी करना है, डिटेलिंग करके देना है, ठीक है, सीधी सीधी बात, ये दोनों काम लैपटॉप पे कर सकते हो,
तो इसलिए सबसे आसान होता है बीआईएम के अंदर क्या बोलते हैं फ्रीलांसिंग करके देना। आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्या किया कर दिया, एक लड़का है हमारा गाजियाबाद का है, तो वो ये काम करता है। वो क्या करता है, जितने भी उसके एरिया के आर्किटेक्ट लोग हैं, ठीक है, वो उनसे जाता है उनके पास, उनको बोलता है कि हम आपके प्रोजेक्ट को करके देंगे, पहला प्रोजेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे, ठीक है। मैंने उसको मॉडल बताया तो उसने बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर लिया, और अभी क्या कर रखा है, वहाँ के जितने लोकल आर्किटेक्ट्स हैं सबसे कंबाइन हो गया है, और डायरेक्ट वो आर्किटेक्ट कॉल कर देते हैं, प्लान भेज देते हैं, मॉडल करता है, डिटेलिंग करता है, सबमिट कर देता है, तो पूरा का पूरा उसका काम ही एक तरीके से पूरा वेल स्टैब्लिश हो गया है। तो कर सकते हो डेफिनेटली। हाँ, ये होना चाहिए कि तुम्हारे अंदर एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना है आर्किटेक्ट को, एक अपना वर्क सैंपल, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे तो प्रोजेक्ट देगा नहीं, कॉन्फिडेंस में लिया आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, कर सकते हो उसमें मन, ठीक है। चलो yes. कौशिक तुम कुछ बोलना चाह रहे थे क्या, दोबारा तुमने माइक साथ ऑन किया था ना? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, इसमें टाइमिंग क्या होगा, टाइमिंग का जो शेड्यूल है, अब जैसे कि मैं कंस्ट्रक्शन में रहता हूँ तो सर अब शाम के टाइम कब कब का टाइम होगा सर, आप कह रहे हैं कि 8:30 से 10, 8:30 से 10, साढ़े आठ से दस तो ऐसे ही टाइम हम रखते हैं जिसमें कि सबको कंफर्टेबल रहे, क्योंकि सीधी सीधी बात है कि हमारा खुद का भी काम रहता है, मतलब मैं संडे को मीटिंग क्यों कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी दिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं आपका 8:30 से 10 इसका टाइमिंग रहेगा पूरा इवनिंग में, ओके सर, ठीक है। अभी ऐसा टाइम है कि कोई किसी को दिक्कत हो ही नहीं सकता है, ठीक है जी जी, तो इसलिए ऐसा टाइम रखा जाता है। और किसी कोई डाउट है बोलो, ठीक है, और किसी कोई डाउट नहीं है, चलो फिर होप सो कि नेक्स्ट संडे को अगर फ्री रहे या फिर सैटरडे को फ्री रहे तो फिर मुलाकात होगी आपसे, और क्या बोलते हैं जिसको भी जैसा भी अगर आपको रहेगा कि सर अपने को करना है तो मुझे डीएम कर लेना, फिर भी कोई डाउट रहेगा सब मुझे यहाँ नहीं पूछ पाए हो तो बाद में भी कर लिए तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तुम पूछ सकते हो यार, और क्या बोलते हैं अभी के लिए नहीं करते, ठीक है। चलो किसी को क्वेश्चन बस तो नहीं गया, देवेश कुमार, देवेश प्रताप सिंह तुम बड़ा लेट आते हो यार, बीजेपी के आदमी हो क्या, ठीक है, कोई और किसी को कोई क्वेश्चन है, ठीक है। सोनू आर्यन आए हुए हैं, सोनू आर्यन तुम कहाँ से हो, हेलो सोनू, ठीक है सोनू आर्यन शायद उसको आवाज नहीं जा रही है, फिर माइक ऑन करने से सिस्टम में नहीं है। हाँ विनाश, हेलो, हाँ विनाश बोलो सर, भीम का बैच का टाइमिंग क्या होगा सर, 8:30 से 10 इवनिंग में, ओके सर, ठीक है जी, चलो अपना अपना देख लेना सभी लोग, ये डिटेल्स तो भेजाल मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, ज्यादा टेंशन नहीं है, फिर भी कोई डाउट रहा तो मुझे डीएम कर लेना, ठीक है। चलो हैव अ गुड डे, एंजॉय करो अपने वीकेंड्स को, और 45 मिनट मैंने लिया इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा।